कई बार हमारे पास स्टोरेज की प्रॉब्लम हो जाती है और हम सोचते हैं कि ये सामान किस में रखें और कपड़े कैसे मैनेज करें। तो चलो अपने ही पुराने सूट से एक ऑर्गेनाइजर बनाते हैं, एक नहीं दो ऑर्गेनाइजर बनाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, मेरा नाम है पूनम। तो यहाँ पर मैंने अपना एक पुराना सूट ले लिया है, थोड़ा सा फिटिंग का इशू है इसमें और इस तरीके से ये सूट है। तो अब मैं इसे नहीं पहनती हूँ तो मैं रिजेक्ट कर चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से सबसे पहले मैंने लेंथ ले ली है, ये है 21 या 22 इंच है, हाँ 22 इंच है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर 21 इंच है। तो ये वाला सूट ना मेरा ज़्यादा लेंथी नहीं है। अगर आपका और लेंथी सूट है तो बहुत लंबा, मतलब जितना अच्छी लेंथ का आपका सूट होगा उतना बड़ा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए, मैंने ऊपर से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना ली है और इसे मैं कट कर लूँगी। ये चाक से ऊपर का एरिया है, तो इस तरीके से अलग करने के बाद ये पीस निकल के आ गया है। और साइड से देखिए, जो चाक फोल्ड है ना, काफ़ी मोटा एरिया हो जाता है यहाँ पर, तो इसे मैं कट कर लूँगी। इस तरीके से दोनों साइड में मैं कट कर लूँगी। बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार होगा अपने ही पुराने सूट से, तो देखते जाइए। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मैंने जो राशन वाले भैया आते हैं ना, इसमें हमारा राशन लेके आते हैं, तो मेरे ख्याल से चावल का बैग होगा, ये राइस बैग ही होगा, तो मैंने ये यूज़ कर लिया है। और जितना इस तरीके का पार्ट हमारा आया है ना सूट का, उतना ही मैंने उसे कट कर लिया है। तो दोनों जो सीधे वाले साइड्स हैं वो अंदर की साइड रख कर इस तरीके से ऊपर से मैं इस बैग को रख दूँगी। और इसे करना है या अटैच, तो अटैच करने के लिए देखिए यहाँ पर ना इस तरीके से एक पिन, ऑल पिन्स का इस तरीके से देखिए एक बॉक्स आता है। इसमें कम से कम ना 100 ऑल पिन्स हैं और मोती भी लगा हुआ है इसमें, तो काफ़ी इजी रहता है इससे किसी भी चीज़ को सिलना। जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर सूट के पार्ट अलग हैं और राइस बैग अलग अलग हैं, तो सिलने में ना काफ़ी दिक्कत हो जाती है। इस तरीके से इन ऑल पिन से ना काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता है, तो काफ़ी इजी हो जाता है सिलने में। यहाँ पर इस तरीके से मैं इसे पिनअप कर लूँगी और इसे तीन साइड से मैं सिल लूँगी। इस तरीके से यहाँ पर देखिए, मैंने इसे तीनों साइड से सिल लिया है। और साइड्स जितना भी होगा ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे। इससे क्या होगा, जब हम इसे सीधा करेंगे तो इसमें फिनिशिंग आएगी और कॉर्नर्स अच्छे से जो है फिनिशिंग आएगी कॉर्नर्स में। तो यहाँ पर देखिए, दोनों कपड़ों के बीच में इस तरीके से पकड़ के मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब जो राइस बैग है वो दोनों कपड़ों के बीच में आ गया है और जो भी हम ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे वो काफ़ी स्ट्रांग बन के आएगा। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर मैंने इसे सीधा कर लिया है। जितना भी राइस बैग एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है उतना कट कर लीजिए और फिर दोनों कॉर्नर्स को आप सिल लीजिए। तो देखिए, जितना कंफर्टेबल लगे आपको उतना इसे कट कर लीजिए। कट करने के बाद यहाँ पर देखिए, इस तरीके से दोनों को पार्ट्स को अंदर की साइड फोल्ड करके ये मैंने सिल लिया है। और बाकी जो तीनों कॉर्नर्स हैं ना, यहाँ पे भी हमें टॉप सिम लगा देनी है, जिससे क्लियरिटी आएगी और जो ऑर्गेनाइज़र बनेगा वो काफ़ी मजबूत बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मैंने 5 इंच का निशान लगाया है और इस साइड 6 इंच का लगाया है। वैसे तो ये बॉक्स इक्वल बनता है, लेकिन अभी आप देखेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों रखा है। इस तरीके से चारों कोनों में 5x6 का बॉक्स बना लेंगे। जो लेंथ वाला साइड है वहाँ पर 6 इंच और जो चौड़ाई वाला साइड है वहाँ पर 5 इंच। तो आप देख सकते हैं चारों कॉर्नर्स में ये बॉक्स बना दिए हैं। अब जहाँ पर निशान लगाया हुआ है हम इनको कट कर लेंगे, चारों बॉक्सेस को। यहाँ पर देखिए, चारों बॉक्सेस अलग हो गए हैं और इस तरीके से जो सीधा वाला पार्ट है वो नीचे की साइड रख के इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और देखेंगे, हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था ना, तो वो एक साइड जो है वो ऊंचा नज़र आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे भी आप इसे पिनअप कर लीजिए जो कि सिलने में आसानी हो। यहाँ पर देखिए, मैंने चारों कॉर्नर्स को सिल लिया है और कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हुआ है। बाकी जो इसकी जो कॉर्नर्स जो अभी हमने सिले हैं ना, इसको फिनिशिंग देने के लिए हम पाइपिन बनाएंगे। तो यहाँ पर पाइपिन के लिए मैं यूज़ करूँगी बाजू का कपड़ा, सूट के बाजू का कपड़ा। और जो यहाँ पर पाइपिन बनेगी ना, वो थोड़ी ऊपर तक जाएगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ
10 इंच का। अगर आप ये ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं तो आप 12 इंच का बनाइएगा, क्योंकि जो मेरी स्टेप है ना वो थोड़ी सी छोटी हो गई थी, लेकिन फिर भी काम तो उससे चल गया। लेकिन अगर आप 12 इंच की बनाएंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो इस तरीके से देखिए पूरे जो कॉर्नर्स हैं उसमें लगा के उतनी वो एक्स्ट्रा आ गई है स्टेप। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो बीच वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर 10 इंच की दो दो पट्टियाँ और बनाकर, ये जो सामने वाला देख रहे हैं दोनों जो ऑपोजिट साइड है ना, दोनों का मिड पॉइंट लेके यहाँ पर इस तरीके से देखिए, दोनों का जो मिड पॉइंट है यहाँ पे मैं चौक से निशान लगा लूँगी, और जो ये बनाई है हमने पाइपिंग, इसको इस तरीके से डबल करके इक्वल ऊपर नीचे इक्वल करके यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो ऑर्गेनाइज़र तो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा बन गया, लेकिन आपको पता नहीं लग रहा होगा कि ये स्टेप्स क्यों बनाई हैं। तो चलिए फिर इसका यूज़ देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कपड़े हो गए या अपना कोई भी सामान इसमें रख सकते हैं अलमीरा में, इस तरीके से देखिए। यहाँ पर इस तरीके से देखिए, ये जो ऑर्गेनाइज़र हैं काफ़ी महंगे आते हैं, आप देख सकते हैं ऑनलाइन काफ़ी महंगे आते हैं। तो यहाँ पर इतना मज़बूत कपड़े का और राइस बैग का बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है, और इसको स्टैंड भी रख सकते हैं और ऐसे नीचे भी रख सकते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पर स्टेप्स का यूज़ देख लेते हैं। तो एक साइड यहाँ पर देखिए मैंने हैंगर बांध दिया है स्टेप्स के साथ, और दूसरी साइड भी बांध दिया है, और यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से ये हैंग हो गया है। हैंग होने से ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर नीचे भी आप अपना सामान रख सकते हैं और ऊपर भी, और ऑर्गेनाइज़र इतना मज़बूत है कि यहाँ पर आप कितनी हैवी चीज़ भी रख सकते हो। और सूट आपका जितना बड़ा होगा या कपड़ा आपका जितना बड़ा होगा उतना लेंथी और उतना बड़ा आपका ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार होगा। तो इसी सूट से एक ऑर्गेनाइज़र ऑलरेडी बन चुका है, तो चलो दूसरा भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक स्लीव मैंने पहले कट कर लिया था पाइपिंग के लिए, अब ये दूसरा वाला स्लीव भी मैं कट कर लूँगी। और जो सूट की दोनों साइड्स हैं यहाँ पर, क्योंकि सिलाई है और मार्जिन है तो काफ़ी अजीब लगती है ये चीज़, तो मैं इसको भी कट कर लूँगी। इस तरीके से यहाँ पर मैंने दोनों साइड्स कट कर लिए हैं, और इसे मैं उल्टा कर लूँगी, और उल्टा करने के बाद जो तीनों साइड्स हैं इसे मैं सिल लूँगी। इस तरीके से देखिए ये इक्वल रख लिया, और यहाँ पर इस तरीके से दोनों साइड्स में और नीचे की साइड मैं सिलाई लगा लूँगी। अब इसे हम सीधा करके देखेंगे, और ये जो बाजू है ना इसको भी हम ज़्यादा कुछ नहीं अंदर को इस तरीके से मोड़ देंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बैग बन गया है इस तरीके का। तो इसमें आप अपना सामान रख सकते हैं अलमीरा में, आपको अपने बैग पर्स कुछ भी रखने हैं वो भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें और स्पेस चाहिए तो इस तरीके से जो कॉर्नर्स होते हैं उनको ऐसे पकड़िए, और यहाँ पर 1.5 इंच पर यहाँ पर इस तरीके से चौक से निशान लगा कर इसमें सिलाई लगा लीजिए दोनों साइड्स में। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों साइड्स में कर लिया है, और कितना स्पेशियस हो गया है। अब आप इसमें काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं, अलमीरा में रख सकते हैं, इसमें आप काफ़ी सामान रख सकते हैं, अपने पर्स, पाउच, बच्चों के खिलौने, कुछ भी। तो देखिए एक ही सूट से दो कितने प्यारे और मजबूत ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हुए हैं। आइडिया आपको कैसा लगा, ऑर्गेनाइज़र आपको कैसा लगा, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक।